फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरा तो कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे। सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं थोड़ा एक और नवे ब्लॉग च। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपना भी ठीक है जी। संडे है, अज एयरपोर्ट आया हुआ, एयरपोर्ट तो निकल रहे हैं जी बाहर। तो सवेरे की अज दूजी राइड है, पहली अपन मिल गई सी उतो जीरकपुर तो ही। सवेरे जाके आया जी नाडा साहब, नाडा साहब ड्रॉप करके उतों पै गई पंचकूले तो फिर अपन 3 सैक्टर तो पिकअप इन्हों लैके हूँ एयरपोर्ट आया हुआ जी। एयरपोर्ट तो निकल रहे हैं बाहर, बाहर निकल के दिना थानू अपडेट। तो इदा का जी कुछ एयरपोर्ट अंदरों देख लो, पर इतने वीडियो शूट कर नहीं देंगे जी, अलाउड नहीं है अंदर। ये करके बस ये है भी बाहर निकलते हुए थानू गड्डी के थ्रू दिखा दिना। देखो बैठी है मैडम, लो जी इतों आप निकल गए। इतने भी ये है जो आप ड्रॉप करना आईए ना जी किसी उदों अपने कोई पार्किंग चार्जिस नहीं लगते, तो जो किसी पिक करना आईए पिक करना समय उस टाइम पार्किंग चार्जिस लगते हैं 50 रुपए की पर्ची। भावें तुम अंदर घूम के नाल दी नाल बाहर निकल गए, कोई टाइम वाला सिस्टम नहीं। हाँ जे तुम लेट करोगे, लेट तो जरूर फिर मीटर उपर वजेगा। ये मेरे ख्याल में 10 मिनट का है ना, 10 मिनट 15 मिनट का पता नहीं सिस्टम। उन्ने चिर तुम बाहर आ जाओगे तो 50 रुपए ही लगनगे थोड़े। बाकी कल तो सी सैटरडे, कल मैं ब्लॉग शूट नहीं किया जी, कल बहुत खजल हुए हैं। कल इदा के गंदे गंदे एरिए जाके फसे हाँ, ना तो उतों कोई ड्रॉप मिलया, ना लेना नहीं देना नहीं, दिन च वैसे ही काम नहीं सी। कल सारे 1500-1600 रुपये का काम होया जी अपना जोर ला के। अज भी काम ठंडा ही है क्योंकि मैं सवेरे 9:45 बजे आईडी ऑन कर ली सी, ते आपां नूं पहली पिकअप मिली सी 9:30 बजे 9:45 बजे। नहीं अगे इदा हुंदा है जी कि घरे आईडी ऑन बाद च करदा, पहला नाल दी नाल पिकअप मिल जांदी है कोई ना कोई। पर चलो ठीक है जी, गर्मी भी बाहर बहुत है, बहुत ज़्यादा खज्जल होए पए हैं है ना। ते बाकी जेड़ा जेड़ा मेरा वीर नवा जुड़िया अपने नाल है ना, तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो मेरा वीर। जो वीडियो जो कुछ भी चंगा या माड़ा लग्या तो कमेंट करके एक बार जरूर दस्यो। ते मेरा वीर एक होर सब नू रिक्वेस्ट है जी, जेड़ा कोई मेरा वीर किसी की कोई भी क्वायरी है, किसी ने कुछ भी पूछना या करना या वो वीडियो के थले कमेंट कर दो। तो कमेंट करते हुए एक बार अपना क्वेश्चन पूछने तो पहला या कुछ भी लिखने तो पहला ना जी हैशटैग जरूर पा दिया करो अपने कमेंट च, हैशटैग च लिख दिया करो जी, हैशटैग सादगी साध वर्गी तो अख बाज वर्गी है ना जी, ये जरूर कर दिया करो मेरा भीर। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है थानू है ना। तो बाकी देखते हैं जी, हूँ इतने खड़ते हैं वेट करते हैं। एकदम मैं वीडियो कल करती सी अपलोड ना, अपलोड करके शेड्यूल की हुई है, वो अच्छ शाम आ जाएगी 7 बजे। तो पहुँच अपन सोनू भाई मिलया सी जीरकपुर। लो जी बच गई पिकअप। तो हूँ इतने खड़ते हैं जी फ्लाईओवर के थले।
लो जी इतने खड़ते हैं हम। इतने खड़ के हूँ वेट करते हैं जी। टाइम 11 बज गए हैं, 11 बजे की फ्लाइट होंगी है, उस देखते हैं जे नंबर पै जाए अपना इतने मिल जाए कोई एयरपोर्ट नहीं, क्यों एयरपोर्ट वाली जी भी पिकअप मिलती है ना उस उसका बेनीफिट हो जाता है आपको, है ना। बाकी बने रहो, देखते हैं 11 बज के चाह पानी पी लिए जे इतने मिल गया, है ना। बाकी दिना मैं थोड़ा अगे का अपडेट। टाइम 12 बज गए जी, खास 40-45 मिनट हो गए इतने एयरपोर्ट पर खड़ा नूं, कोई पिकअप बज नहीं रही, बज भी रही है 6-6, 7-7 किलोमीटर की पिकअप है, तो 2-2 किलोमीटर का ड्रॉप है, उस आप बचता कुछ नहीं, है ना। तो हूँ देखता वो तो चलता जी BSC वाले चौंक से, ना उ जाके देखते हैं, उत्थे करदा वेट, उतों कोई 43 वाली साइड में चंडीगढ़ में मिल जाएगी कोई पिकअप कोई ना कोई, उधरों फिर आप चंडीगढ़ निकल जाएंगे, क्यों चंडीगढ़ काम होएगा चंडीगढ़ मोहाली। इतने आप खड़े हाँ बिल्कुल एंड जे पॉइंट पर आ गए जी, बिल्कुल एज से इतने हाल इन्ना कम है नहीं, तो कुछ है भी संडे, अज संडे ये है भी दिन च कम घट हों, शाम कम हों, शाम कम बजेगा देखो इतने, या इस टाइम कम होएगा मॉला माला के लाग ने, जिम्मे अलांटे हो गया, VR पंजाबी मॉल हो गया, उत्थे कम होएगा वो लाग ने, क्यों अज सारी फिल्मों फुल्मों देखने तुरे होंगे, शॉपिंग कर तुरे होंगे, वो करके ये एयरपोर्ट हैगा अपना थोड़ा जा पिंडा जे वाले एरिए, इतने इन्ना थोड़ा पता ही है भी पिंड वाले हल नहीं इन्ना करते टैक्सियां टुक्सियां चक्कर च, क्यों अपने गड्डिया बथेरी खड़ी होंगी है जी पिंड वाले को, ये शहरी जो होंगे इन्हों का हो जाता है ना, ये लोग ज़्यादा प्रैफर करते हैं उबर उबर वगैरह, अपने वाले देसी बंदे किथे वो करते है जी। बाकी आ लो थो मैं दिखाना व्यू, इंजॉय करो एयरपोर्ट के रोड का, देख लो मोहाली के एयरपोर्ट का रोड, लोग हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट कही जाने भरावो, चंडीगढ़ का नहीं रहा वो, भाई कला तो पंजाब का ही है हूँ, आ देख लो आ मोहाली के बिचों निकलता है रास्ता, और चंडीगढ़ वाले रेलवे स्टेशन वाग नहीं भी एक रास्ता पंज गुले तो जोड़ता उन्हों, एक चंडीगढ़ वाले पास जोड़ता, चंडीगढ़ वाले कही जाने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, पंज गुले वाले कही जाने पंज गुला रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन से दो जगह तो रास्ते जोड़ते, आ देखो इनू कहने ये कल्ला ही मोहाली का एयरपोर्ट है जी, पंजाब का मोहाली जिले का सिर्फ और सिर्फ एको रास्ता आता है मोहाली चो, है ना। बाकी वो सामने चौंक आ गया जी, हूँ देखदा उत्थे करदा मैं वेट, उत्थे वेट करके फिर दिना मैं थोनों अगे का अपडेट। बाकी देखदा जे 43 वाली साइड नूं मिल जाए पिकअप कोई तो ज़्यादा वधिया आ, बाकी देखते हैं, चलो बने रहो जी। टाइम हो गया जी 3:30, 12:30 आप जो उत्थे एयरपोर्ट चौंक से पहुँचे सी, चौंक से पहुँचते आप पिकअप मिल गई सी, तो अलांटे मॉल आ गया सी मैं, उस तो बाद अद्धा का घंटा लग्या सी जी उतों आने, 12:30 मैं अलांटे पहुँच गया सी, उस तो बाद हुण कंटिन्यू वेट कर रहे थे जी, 2 बजे तक मैं अलांटे खड़े रहा, उस तो बाद जो उतों पिकअप नहीं मिली फिर मैं इधर आ गया जी 28-29 हूँ, इतने खड़ा इतने वेट कर रहा हाँ, इतना का कोई माहौल है इतना रोड चल रहा है मेरे पीछे आ जोड़ा ट्रिब्यून चौंक तो 26 Sector 40 साइड रोड गया अपना, आ देखो भी आ पीछे लाइट चल रही है ना, ये इधरों सीधे 26 Sector निकल गया, एक अपना मोहाली निकल गया बाय ट्रिब्यून चौंक हो गए, बाकी आ पीछे मेरे आ देखो अंबा के बाग है जोड़े इतने रोड के किनारे लगे हुए हैं, यह देखो और मैं भी इतने आराम, आप भी हम आराम इतने सीट टेढ़ी करके अपनी वेट कर रहे हैं। अज वैसे बहुत बुरा हाल है जी, अजक नालों ज़्यादा बुरा हाल है, सवेर दिन 9 बजे तो लैके हूँ 3:30 बजे तक सिर्फ 3 ट्रिपा लगिया, तो 500-550 रुपये की अर्निंग हो गई संडे, ये है संडे
ਮੇਬੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਵੱਜਣ ਤੋਂ 5:30, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ 3:30 ਹੋਏ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਊਂਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਗਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਮੌਲ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ 7 ਵਜੇ। ਦੂਜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਸਿਰਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੋਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਪਬਲਿਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 36 ਪੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਅਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ 4 ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, 30% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਿਕਅਪ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਨਾ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ।